हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। आंसर डेफिनेटली आपको इस बारे में काफी कुछ पता होगा, आई एम वेरी मच श्योर, बट इस वीडियो में सर आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या अपने क्या हमेशा यूनिक कॉन्सेप्ट कॉन्टेंट के क्या था जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, ऐसा कॉन्टेंट जो न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करने में या फिर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलता है। सर स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सर स्टॉक एक्सचेंज तो मैंने सुना था, बट ये जब जो वर्ड सोशल वर्ड है, इस सोशल वर्ड का क्या मतलब है और ये नया मार्केट में कैसे है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आप बिजनेस में कैसे इसका यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, सर इसको आखिर बुलाया क्यों गया, क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज लास्ट इस वीडियो के एंड तक आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर हम रेगुलेटरी पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। रीजन है कि उसके अंदर जो कंप्लायंस पोर्शन आता है ना, किस चीज़ के लिए कितनी लिमिट है वो यहाँ पे बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती है और आधे से ज़्यादा लोग वीडियो नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लीगल एस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड में रखूंगा, अभी अपने इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए देखो, सोशल वर्ड से हम लोग को पता चलता है ना समाज से रिलेटेड कुछ है, तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज कम्प्लीटली सेक्शन 8 कंपनीज या फिर कोई पब्लिक ट्रस्ट है, इनसे रिलेटेड जो समाज के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, समाज में रिफॉर्म्स लाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए। अब वो अच्छी चीज़ें क्या है वो ऑलरेडी डिफाइन किया गया भाई से भी, तो उस चीज़ों के लिए एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। इस स्टॉक एक्सचेंज पे वही कंपनियां लिस्ट होंगी जो समाज का काम करती है, जो समाज के भलाई के लिए काम करती है, दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया वो इन सभी चीज़ों अच्छे अच्छे कामों के लिए कर रहा है ना, और जो भी लिस्ट में दिया हुआ है उनके लिए है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सर ये कंपनी ऐसे छोटी मोटी लोग नहीं बनाए, ये स्टॉक एक्सचेंज ऐसा कोई भी नहीं बना सकता, ये सेबी ने ये चीज नोटिफाई किया है। सर सेबी आपको पता ही होगा, सेबी मार्केट को रेगुलेट करता है, हमारे बीएससी एनएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज सेबी रेगुलेट करता है, तो सेबी ने कुछ सोच के ही बनाया। सर डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टेप है सेबी का, आगे जाके इसका बहुत बहुत अच्छा अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है, बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। जैसे अभी सीएसआर के ऊपर, सीएसआर की वजह से जो प्राइवेट जो कॉर्पोरेट्स है, जब उसने पार्टिसिपेट किया है सोशल रिफॉर्म्स के अंदर, लाइक उसने डेवलपमेंट वगैरह के अंदर रिफॉर्म, जब जैसे ही उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, पैसे देना स्टार्ट किया एज अ सीएसआर, काफ़ी कुछ चेंज है सर। इम्पैक्ट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डिजास्टर चेंज किया है सर, बहुत कुछ है जो चीज़ चेंज हुआ है, तो उसी के हिसाब से उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट आने वाला है, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत कुछ चेंज होने वाला है सर अपने इंडिया में, जो जहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एंड इसके साथ साथ जो सर्विसेज हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, तो वो चीज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं काउंटर होंगे। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, इन्वेस्टर्स का भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत कुछ है जो इससे बेनिफिट होगा। सर इस वीडियो में इसमें इसको बनाया किसने सर, देख लो किसने किसने बनाया सर, इन्होंने बनाया नहीं, इनका एक ओपिनियन था, ये वर्किंग जो ग्रुप है उनके मेंबर्स थे, उनके हेड थे, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है एंड उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये बेसिकली निर्मला सीतारमन जी का 2019-20 के स्पीच में उनका ही ये था कि भैया हम लोग एक SSE लेकर आए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए। ठीक है, जिसको अभी जाके इन्होंने अप्रूवल दिया है अंडर SSE सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ स्टॉक एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे हैं उनके अलावा, ये एक सेपरेट होगा पूरा का पूरा डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज को ये रहा जाएगा। इसके अंदर कुछ 16 बोर्ड ब्रॉड एक्टिविटीज को डाला गया है, इन 16 एक्टिविटीज में अगर आप फॉलो करते हैं तो सर डेफिनेटली आपको इस स्टॉक एक्सचेंज में SSE के अंदर लिस्ट होने का मौका मिलेगा एंड जैसे ही लिस्ट हो जाएंगे सर आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे 16 पॉइंट्स के हैं, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं जो एकदम कैची पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डाला है, जैसे हंगर्स को हुआ, इरेडिकेटिंग हंगर्स हो गया, पॉवर्टी हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए अगर, इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर ये लोग वो हैं जो किसी भी कीमत में इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट फाउंडेशन हो सकता है, कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड ट्रस्ट हो गया, कोई रिलीजियस ट्रस्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए हो जाते हैं सर, पूरे मानवता के लिए नहीं होते, हर इंसान के लिए नहीं है बल्कि स्पेसिफिक रिलीजियस के लोगों के लिए, तो वो चीज़ वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। प्रोफेशनल या फिर कोई ट्रेड एसोसिएशन नहीं इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं, कोई भी हाउसिंग कंपनी इसका बेनिफिट नहीं उठा सकती है एक्सेप्ट अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह के अंदर रजिस्टर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराती है, तो अदरवाइज ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं इसके अंदर। सर इसके अंदर अगर मेरे को मतलब इसमें बेनिफिट कैसे हो रहे हैं सर इस स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे नॉर्मली कंपनियां क्या करती है, सामान कुछ ना कुछ बनाती है उसको सेल करती है तो कंपनी का वैल्यू बढ़ जाता है
राइट। तो यहाँ पे क्या सिस्टम होने वाला है, यहाँ का फंडा समझिए। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग दो तरीके से पैसा उठा सकते हैं, एक ये और एक ये। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा उठा सकते हैं। जबकि प्रॉफिट वाले जो सोशल एंटरप्राइज है, प्रॉफिट जो लेते हैं, उन लोगों को पैसा उठाने का तरीका है सर, वो अल्टरनेट इन्वेस्टर फंड से पैसा उठा सकते हैं। AIF बोलते हैं उसको, ठीक है, इंक्लूसिव सोशल इम्पैक्ट फंड हो सकता है। तो AIF क्या होता है ना, एक टाइप का अगर बोलूँ तो मैं, बड़े बड़े बहुत ही वेल्थी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, पैसा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी वो पैसा उठा के समाज के सेवा में लगा सकते हैं। अभी मैं प्रॉफिट का भी इम्पैक्ट बताऊंगा, कैसे लोग यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। डिस्क्लोजर के अंदर क्या क्या सर, ऑडिटेड आपको यहाँ पे ऑडिट करवाना पड़ेगा, एंड ऑडिट के लिए सोशल ऑडिट फॉर्म बनेंगे, जिसके लिए CAICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपना इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया सर, ऑलरेडी एक स्पेसिफिक घोषणा कर दिया है कि भैया हम लोग एक सोशल ऑडिट ये बनाएंगे, इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसके अंदर लोग इसका एक्सपर्टीज जो है लेकर आएंगे। और ये ऑडिट कोई नॉर्मल छोटी मोटी फॉर्म नहीं कर सकती, ये स्टार्टिंग में जो इनिशियल होगा वो बहुत ही हाई फॉर्म्स करेंगे, और बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम वगैरह क्लियर करने के बाद ही लोग को इस चीज़ का मौका दिया जाएगा। ऐसे आसानी हर किसी को इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। सोशल वेंचर फंड, ये फंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको AIF के बारे में पता होगा तो ही ये पॉइंट समझ में आएगा, तो मैं इसको अभी फिलहाल स्किप कर देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जो भी पैसा ये इन्होंने पैसा उठाया, जो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी फंड रेज किया, उसका 100% ये इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। पूरा का पूरा पैसा जो भी इनके पास बचा है, वो किसी और NPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात है सर, सिंपल सा इनका एक ही एम है कि भैया समाज को ग्रोथ करने का, समाज में इस चीज़ को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का। ओके, सो ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये सेबी के थ्रू ही दिया गया है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस का एक आउटकम दिया है कि किस तरीके से ये काम करेगा। जो रिस्क इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्टर्स है जो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना फंड इशू कर रहे हैं, एंड इस पैसा के बदले में इनको मिल जा रहा है SVF, ठीक है। ये फंड पहुंच जाएगा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के पास, SVF के पास, या फिर जिसके भी पास पहुंच जा रहा है। ये लोग अब क्या करेंगे, ये NPOs में, देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या, ये NPO में पैसा डालेंगे, जैसे सेक्शन 8 कंपनी होगी, कोई चैरिटी हो गई, किसी पब्लिक ट्रस्ट के अंदर ये पैसा डालेंगे। अब ये क्या करेंगे, उस सर्विस को देंगे लोगों में, उस अपने जो सर्विसेज है उनको पहुंचाएंगे। इस सर्विस को पहुंचाने के बाद, अब पॉइंट नंबर 5 के बाद 6 में क्या होगा, आउटकम आएगा, उस सर्विस के बाद बेनिफिट्स निकल के आएंगे, उस बेनिफिट्स के बाद वैलिडेट हो किया जाएगा कि भैया क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। आउटकम जो है वो फंडेड हो जाएगा, एंड रिटर्न वापस से CIA या फिर AIF को वापस से पैसा उनको मिल जा रहा है यहाँ पे आउटकम के बेसिस पे। अब ये वाला जो इनके पास पैसा आ रहा है, वो वापस से रिस्क इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको वापस से रिटर्न मिल जा रहा है। सो ये एक बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही मतलब यूनिक सा कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया गया है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि आप NPO से भी एक इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। रिस्क ऑलवेज सर हर जगह रहता है, जैसे ही आप मार्केट में घुसते हो रिस्क आ जाता है सर, रिस्क से आप नहीं बच सकते हो, बस रिस्क को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो कि कहाँ पे पैसा डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्ट यहाँ पे पैसा डालना चाहते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं होगी, सिर्फ बड़े या फिर वेल्थी इन्वेस्टर्स के लिए होंगे, अराउंड 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम अमाउंट आता है वो होगा। बट फ्यूचर में धीरे धीरे इस चीज़ को स्मॉल पार्टिसिपेंट के लिए भी लाया जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी लाया जाएगा। बट एट प्रेजेंट मेरे को नहीं लगता, ये उम्मीद कम है कि स्मॉल पार्टिसिपेंट को लाया जाए, क्योंकि अगर छोटे इंसान का, छोटे इम्प्लॉय का, छोटे किसी इन्वेस्टर्स का अगर 100 रुपये भी जाता है तो सर बहुत बड़ा बात है, एंड अगर किसी बड़े इन्वेस्टर्स का अगर सर 1 लाख रुपये भी जाता है तो कोई गम नहीं है उसको। तो इसीलिए सेवी का हमेशा एक ही एम रहता है कि छोटे इन्वेस्टर्स का सब पैसा बर्बाद ना हो, बड़े बड़ा इन्वेस्टर्स का कुछ बर्बाद हो जाए। बट होता अल्टीमेटली उल्टा है, छोटे इन्वेस्टर बर्बाद हो जाते हैं और बड़ा इन्वेस्टर और बड़ा हो जाता है। बट जो भी है, सेवी का अपना मोटो है और इन्वेस्टमेंट जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है वो कुछ और हो जाता है। सो मेरे हिसाब से SEC सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा, एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रह गया, कोई ऐसा पॉइंट रह गया, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो शायद कुछ ऐसा पॉइंट रहा हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर आप ये चीज़ को अपग्रेड कर सकते हो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में अपग्रेड करूँगा। एंड जो अपग्रेड का पॉइंट है कि मेरा मतलब अगर ऑडियो क्लियर नहीं है तो सर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे को इसी से काम चलाना पड़ रहा है इस सिस्टम में, और ऑलरेडी एक एक्सटर्नल माइक है वो मेरा यूज़ नहीं आ पाता है, और दूसरा जो माइक है वो भी
उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, माइक के बाद भी उतना अच्छा ऑडियो नहीं आ पा रहा है, सो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली काम कर रहा हूँ। बट आई थिंक आपको ऑडियो क्लियर रहा होगा, ऑडियो के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, ऑलरेडी माइक चेंज किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।